सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए ये सिंगल कलर डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन को आप बच्चों के कार्डिगन में, लेडीज कार्डिगन, मफलर पे डाल सकते हैं। इस डिजाइन में मैंने सैंपल में 34 फंदे डाले हैं। ये चार चार फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए किनारे से, एक फंदा साइड में है एक्स्ट्रा। ये चार चार तीन तीन फंदों के बीच में बुनाई है, चौथा फंदा ये सीधा सिंपल ले लिया है। तो आइए हम इस बुनाई को निकालना शुरू करते हैं। मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, तो बेबी वूल से मैं ये बना रही हूँ। ये चार फंदे पहले हम उल्टे निकाल लेंगे। उल्टे मैंने इस तरह से सीधे सीधे बुने हैं, उल्टे इस तरह से सीधे सीधे बुन लिए हैं। फिर हमारे पहला फंदा है, इसको बिना बुने ले लेंगे हम। फिर ये तीन फंदे बीच में हैं जो, इनमें दो बार घुमा के धागा लेना हमने, इस तरह से घुमा के धागा लेके तीन बार। फिर ये वाला फंदा हमने ये बिना बुने ले लेना, ये लाइन वाला सीधी लाइन जो जा रही बिना बुने ले लेना। फिर इसी तरह हमने तीन दो बार धागा घुमा के इन तीनों में इस तरह से हमने ले लेने हैं। ये बिना बुने ले लेना, इसको इस तरह से तीनों को घुमा के ले लेंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई निकाल लेंगे अपनी। ये लास्ट में आ गए, लास्ट में बता देती हूँ फिर से। ये निकाल दिया फंदा बिना बुने, तीन को इस तरह से हम धागा घुमा के लपेट के ले लेंगे तीन फंदों को। लास्ट में फिर बिना बुने ले लिया और एक फंदा एक्स्ट्रा हमारा इसे उल्टा बुन लिया। फिर उल्टी सिलाई पे आ गए हम। सीधी सिलाई से हमारा डिजाइन पड़ा था, उल्टी सिलाई पे पहला मैंने फंदा बिना बुने ले लिया। फिर ये जो पीछे से छोड़ा हुआ फंदा था बिगर बुने लिया था, उसको बुन के ले लिया। और ये जो तीन हमने लपेट के लिए थे, उनको तीनों को खोल दिया। तीनों को खोलने के बाद ये जो दो फंदे हैं, इन दोनों को इस तरह से सिलाई पर ले लेना और इस तरह से छोड़ना है इनको। फिर छोड़ दिया, छोड़ के जो ये फंदा है हमारा पहला वाला निकल गया, इसको इस तरह से लेना है हमने। इस तरह से इस पर सिलाई पर ले लेना है, इस तरह नहीं पीछे से नहीं, ऐसे ही लेना है। इस तरह से ले लिया, फिर इसको उल्टा बुन लेना है। इस तरह से हम उल्टा बुन लेंगे। ये बिना बुने वाला हमने फिर यहाँ बुन लेना है, जो पीछे से बिना बुने लिया था हमने उसे बुन लेना है। फिर से हमने तीन फंदे ये उठा लेने हैं अपने, खोल लेने। फिर ये दो फंदे हमने इस तरह से इस सिलाई में ले लेना, ये ले लिए। फिर ये जो पीछे है छोटा फंदा, इस तरह से सिलाई में इस तरह ले लेना। फिर इन्हें तीनों को उल्टा बुन लेना हमने। ये बिना बुने फंदा है, इसको बिना बुने ले लेंगे हम। इसी तरह हम ये सिलाई अपनी पूरी करेंगे। आगे हमें मैं बता देती हूँ लास्ट में फिर आपको। ये हमने तीन फंदे बुन लिए बिना बुने फंदे लपेट के लिए से धागा। ये फिर उसके बाद जो हमारा ये बिना बुने लिया था फंदा जो, उसको हम इस तरह बुन लेते हैं। ये पीछे से बिना बुने लिया था ये वाला, ये लाइन से चेन से चल रही थी, उसको हमने बुन के ले लिया। फिर ये तीन फंदे हैं ये, फिर इस तरह खोल देना हमने। ये लपेटे हुए फंदे थे ना, इस तरह खोल दिए, ये खोल दिए। फिर इन दो फंदों को, ये जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों को इस तरह ले लिया और इनको ऐसे छोड़ दिया। और ये फंदा है जो छोड़ा हुआ पहला फंदा था तो इस तरफ का, इसको यहाँ पहले ले आएंगे इस तरह से। इस तरह से इधर से नहीं डालना, इस तरह से ही डालना है, ऐसे सीधा ऐसे लेना हमने। फिर इसको इस तरह से उल्टा बुन लेना है। ये बुन लिया उल्टा, दो बुन लिए, अब ये तीसरा बुन लिया। तीनों को हमने उल्टा बुन लेना है, पूरी सिलाई उल्टी लेनी है। और फिर ये छोड़ा हुआ फंदा, ये मतलब बिगर बुना हुआ फंदा आ गया ये हमारा, इसको बुन के ले लेना है। जो चेन से आ रही पीछे, ये हमारी चेन आ रही है ऐसे, ये इनको जो है इस बारी में उल्टी साइड से बुन के ले लेना है। फिर हमारे चार उल्टे फंदे ले रखे मैंने, इनको सीधा करके बुना है मैंने, इस तरह से इनको सीधा करके बुन लिया।
ये तो मैंने अपने अलग से लिए हैं, आप चाहो तो यहाँ कैसे भी बना सकते हो, जैसा आपका स्वेटर है। तो इस तरह से जो है, इसी तरह से बुनाई चलती जाएगी। फिर से हम ये बुनेंगे, चार फंदे बुन के फिर ये चेन वाला फंदा सीधी साइड में, ये चेन वाला फंदा पहला छोड़ देंगे, बिना बुने ले लेंगे। फिर इन तीन फंदों में, जो तीन फंदे हैं बीच के, इनमें ये एक एक करके एक में दो बार धागा लपेट के तीनों में इस तरह से लेना। फिर ये बीच, ये वाली जो चेन वाली है, फिर ये छोड़ के लेना। इस तरह बुनाई चलती जाएगी, बहुत प्यारा लगता है स्वेटर। तो आपको ये मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो मेरे इस डिज़ाइन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।